पड़ोसियों का कहना था कि इस घर से जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ से रातों को ची चै चू चू की आवाजें आती हैं। अब जब उन्होंने उस घर के मालिक को ये बात बताई ना, जो अपने तीसरे चौथे घर में रहता था, क्योंकि बहुत सारे घर थे ना भाई के पास, तब उस मालिक ने उस घर में दो लौंडों को कैमरा वगैरह लेके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा और उनके साथ ना ये हुआ। फ्रेंड्स, प्लैनेट यूजर हस में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ YouTube की गहराइयों में छुपे एक अजीबोगरीब विचित्र प्राणी के साथ। गाइस, ये है डॉल्फिन मैन और बागी इसके बारे में सारी डिटेल्स ना आज इस वीडियो में देखेंगे। बागी यार, अगर तुम्हें डॉल्फिन से प्यार है, तुम्हें डॉल्फिन अच्छी लगती हैं, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि डॉल्फिन तुम्हें प्यारी लगेंगी, क्योंकि इस डॉल्फिन मैन के बाद मैं तुम्हें इस वीडियो में ना लास्ट में दो चार ऐसी चीजें बताऊंगा ना डॉल्फिन के बारे में कि तुम भी कहोगे तुम तो ऐसी नहीं थी। इसलिए यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसी अंडशंट विचित्र नौटंकियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना। तो यार YouTube नाम के हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में सोना चांदी कूड़ कबाड़ और कचरा सब दबा के पड़ा हुआ है, जो ठीक है चलो, जिसकी जैसी मर्जी, किसी के पप्पा का थोड़ा नहीं YouTube, वैसे है किसी के पप्पा का। बट स्टिल गाइज, इधर ना कुछ ऐसी वियर्ड चीजें भी हैं जो यहाँ होनी नहीं चाहिए, जिनमें से कुछ हैं ये डॉल्फिन मजल की वीडियोस। अब गाइस, डॉल्फिन्स तो हो गई ये, अब अगर तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई कुत्ता होगा जो काफी ना एग्रेसिव होगा, तो उसके मालिक ना उसके मुंह पे एक ढक्कन लगाए रहते होंगे, तो उस ढक्कन को ही ना मजल बोलते हैं। है कोई ऐसा कुत्ता? अगर है तो यार कमेंट्स में नाम तो बताओ जरा उस कुत्ते का, डॉगी का। अब चलो फटाफट ना इस डॉल्फिन मैन की वीडियोस देखते हैं और फिर लास्ट में पता लगाते हैं कि आखिर ये है कौन। चेक आउटसाइड योर होम, दिस इज नॉट अ ड्रिल। तो यार सबसे पहली डॉल्फिन मैन की वीडियो है ये वाली, जिसका टाइटल है फुल स्टॉप पंक्चुएशन और थंबनेल पे ना डॉल्फिन मैन बना हुआ है, जिसके सामने लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ ड्रिल। नाउ पहले ही बता दूं, जो वीडियो मैं तुम्हें अब दिखाने वाला हूँ ना, उसकी ना थोड़ी आवाज कम कर लेना और हो सके तो ईयरफोन्स निकाल लेना भाई, मैं तो वो देख के ना छटक गया था एकदम, मतलब डर वर नहीं लगा भाई, कान के पर्दे फट गए मेरे। अभी देखना आगे बता जाएगा तुम्हें क्यों। हेलो, दिस इज अ वार्निंग, प्लीज गो चेक आउटसाइड योर होम। This is not real. The following message is being transmitted at the request of the अब वीडियो में तो डॉल्फिन जैसा चोंच वाला, दांतों वाला ये आदमी दिख रहा है, बाकी ऑडियो में वो वार्न कर रहा है कि घरों से बाहर निकलो, और ये कोई ड्रिल नहीं है, यानी ये कोई फेक वार्निंग नहीं है, बल्कि सही में घर से बाहर निकलो। तो यार ये वार्निंग ना कुछ ऐसी थी ना, जैसे जब अर्थक्वेक आता है या कोई साइक्लोन आता है, तो उस टाइम पे ना जो टीवी रेडियो वगैरह में वार्निंग्स आती है ना, सरकार अनाउंसमेंट करवाती है, तो ये वैसी वाली वार्निंग थी। और फिर लास्ट में ना ये कान फाड़ देने वाली चिल्लाने की आवाज आती है। अब तुम सोच रहे होगे कि आवाज किसकी है, क्या डॉल्फिन मैन चिल्ला रहा इतने जोर से? नहीं गाइस, ये डॉल्फिन मैन की ओरिजिनल आवाज नहीं है। जिमी JLN नाम का एक यूट्यूबर है ना, उसने ये पॉइंट आउट किया है कि जो लास्ट में आवाज आ रही है, ये ना फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के एक हॉरर फैन मेड VHS हॉरर टेप की है। खुद सुन के बताओ एक बार, सेम लग रही है? तो गाइस, इसका मतलब ये तो ओरिजिनल वीडियो है नहीं, तो चलो अब अगली वीडियो देखते हैं, ओरिजिनल डॉल्फिन मजल कर्स्ड। इसमें बैकग्राउंड में तो वही वाली वीडियो है, बाकी फ्रंट पे जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है ना, वो ना आर्मेनियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। रही ऑडियो, तो भाई पता नहीं किसका पेट खराब हो रखा है, ऊ करने में लग रखा है, तो क्या डॉल्फिन मैन का पेट खराब रहता है? पता नहीं, ये आवाज ना किसी और की है। अब YouTube पे ना बहुत लोग खाली बैठे रहते हैं, तो ऐसे ही ना एक और खाली बंदे ने ये पॉइंट आउट किया कि ये जो चिल्लाने की आवाज आ रही है ना, ये टार्जन की आवाज है। टार्जन नहीं करता है वाहू वाहू की आवाज वाली आवाज, तो उस बंदे ने ना टार्जन की आवाज ली, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बनाया। चला अच्छे से सुनो और फिर बताओ ना कि ये दोनों आवाजें सेम लग रही हैं क्या? अब मैंने भी टार्जन की ये वाली आवाज ढूंढी, तो मुझे ना 1999 में बना हुआ टार्जन का एक रेड रिपीटिंग टार्जन नाम का एक्शन फिगर टॉय दिखा, जिसे बैन कर दिया गया था। मगर क्यों? अरे खुद देखो इसकी हरकतें। जिस दिन ये बना होगा, डिज्नी वालों ने प्रोडक्ट डिजाइन करने वालों से कहा होगा
का बवासीर बना दिए हो और फिर डिज्नी ने इसे बैन करवा दिया। तो यार अब फाइनली देखते हैं एडिट्स के पीछे छुपी हुई ओरिजिनल वीडियो, जिसे नॉर्थ फर नाम के एक यूट्यूब चैनल ने आज से 15 साल पहले अपलोड किया था। सुनाई नहीं, जोर से बोलिए। इस वीडियो में आवाज ही नहीं है, क्यों नहीं है थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अगर तुम लोग आवाज सुनना ही चाहते हो तो NDLX115 करके एक यूट्यूब चैनल है जिसने इस ओरिजिनल वाली डॉल्फिन मजल वीडियो के स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स वाला पार्ट ऑडियो के साथ अपलोड किया है। Hello, this is the Dolphin Prof. अब इसमें ना ये बंदा जिसने डॉल्फिन मैन का एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है वो बोल रहा है हेलो ये एक डॉल्फिन प्रोस्थेटिक है, और इसी के साथ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये डॉल्फिन मैन कोई मॉन्स्टर या कोई भूत प्रेत नहीं है भाई, कोई आत्मा या फिर कोई डॉल्फिन और इंसान का बच्चा नहीं है, ये है एक इंसान जिसने डॉल्फिन की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। फैंसी ड्रेस में जा रहा था ना भाई। यार ऐसा है कि नॉर्थ फर नाम से कनाडा की कोई कंपनी है जो जानवरों के कॉस्ट्यूम्स बेचती है, भालू भैंसा भेड़ घोड़ा कौवा। मगर क्यों गाइस, किसी को पहनने का शौक होता होगा तभी इनको बनाने का शौक हो गया होगा, बाकी इट्स अ फ्री वर्ल्ड भाई, जिसकी जैसी मर्जी, क्योंकि शौक बड़ी चीज है। बाकी कुछ शरारती लोगों ने इनकी शौकिया वीडियो को लेके उस पे एडिट मार के डरावनी सी ऑडियो डाल के लोगों को शौक में डालने के लिए ये वीडियोस दुनिया के आगे प्रस्तुत कर दी। रही बात उस नॉर्थ फर वाली ओरिजिनल वीडियो में ऑडियो क्यों नहीं है, तो भाई वो बंदा बोल रहा था कि वो 15 साल पुरानी वीडियोस हैं, उस टाइम पे रिकॉर्डिंग कहाँ हो पाती थी बढ़िया से, इसलिए उसने ऑडियो हटा दी क्योंकि क्वालिटी बहुत बेकार थी। तो यार ये तो हो गई डॉल्फिन मैन की अजीबोगरीब आवाजों वाली वीडियोस की मिस्ट्री। अब जो मैंने तुम्हें शुरू में वीडियो दिखाई थी जरा उसके बारे में भी गपिया लेते हैं, जिसमें उस घर में उन दोनों को ये डॉल्फिन मैन मिलता है। नाउ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वीडियो भी झूठ है। तो गाइस यार लग्जरी प्रैंक्स नाम की ये दो यूट्यूबर्स हैं जो पहले ना प्रैंक वीडियोस बनाते थे, बट अब ये दोनों बन गए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, और ये लोग भूत पिशाच चुड़ैल उड़ैल पकड़ते हैं उसके बाद उनकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं। तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखी होंगी यार इनकी वीडियोस, भाई असली मॉन्स्टर्स पकड़ते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम रियल वाले। चल झूठा। अरे यार सीरियसली मत लो गाइस, जितनी असली प्रैंक वीडियोस होती है ना उतनी असली इनकी ये मॉन्स्टर वीडियोस भी है, कुछ समझ लो। तो यार डॉल्फिन मैन तो फेक निकल गया, कोई ना जाते जाते ना अब मैं तुम्हें डॉल्फिन के बारे में ना दो चार तड़कती भड़कती बातें बताता हूँ। अब कार्टून वगैरह में मूवीज वगैरह में हमें हमेशा ये दिखाया जाता है कि डॉल्फिन कितनी प्यारी होती है, कितनी फ्रेंडली होती है, जो काफी हद तक तो ठीक है बट 100% नहीं है गाइस। जैसे यार 1994 की बात है, साओ पॉलो ब्राजील में एक फ्रेंडली डॉल्फिन थी, तो उस डॉल्फिन के साथ ना एक महिला तैरा करती थी, वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, दोनों में ना काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, बट एक दिन की बात है वो लड़की ना अपने दो दोस्तों को उसी पूल में उस डॉल्फिन के साथ तैराने के लिए लेके आई, और तभी वो डॉल्फिन बोली तुम सिर्फ मेरी हो, बस ये कह के उस डॉल्फिन ने उन दोनों पे अटैक कर दिया। एक बंदा तो भगवान को प्यारा हो गया, दूसरे की हड्डी पछली का कचुमर निकल गया। यही नहीं अभी और सुनिए, ये भी देखा गया है ना गाइस कि डॉल्फिन जो होती है ना वो दूसरे जीवों के साथ इंटरेस्टिंग गेम्स खेलती हैं, उन्हें मार भी देती हैं। जैसे जो पफर फिश होती है ना जो खुद को फुला के गुब्बारा बन जाती है, भाई डॉल्फिन ना इन्हें उछाल उछाल के इनके साथ फुटबॉल खेल देती है। बस गाइस यार डॉल्फिन्स के बारे में ना इतना ही बोलता हूँ, खाली इन्होंने ज्यादा सुन लिया ना तो मेरे पीछे पड़ जाएंगी, कहेंगे लोगों को इनके खिलाफ भड़का रहा है। बाय गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।